गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फनी जाती एंड आई एम ज़ीनत। और आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ सिंगापुरी चाउमीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। और मैंने उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कट कर लिए हैं, अपनी चाउमीन बॉईल कर ली है और मैं पनीर भी कट कर लूँ। तब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है और मैं जा रही हूँ चाउमीन बनाने। तो आपके साथ मैं सोचा रेसिपी शेयर कर ली जाए। रेसिपी क्या मतलब, मैं शेयर कर दूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम सिंगापुरी चाउमीन ट्राई की है। तो सो गाइज, मेरी कढ़ाई हो चुकी है गरम और अब मैं जा रही हूँ इसमें तेल डालने। बस ठीक है ना? ये सब दिखा दे, मैं देखती हूँ क्या डाल रही हूँ। ये दिखा दे सब? नहीं, वो दिखाऊंगी अभी। और गाइज ये देखें आप, मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, पनीर, चिलीज और प्याज मैंने कट कर लिया है। मैंने चाउमीन अपनी बॉईल कर ली है, ये देखिए बिल्कुल गर्म है। और अब मैं तेल गर्म कर लूँगी। जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं वेट ही कर सकती हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकती। बिस्मिल्लाह, थोड़ा गैस कम कर लूँ, कभी धसकी उड़ जाए। मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रीन चिल्ली। सोनम अभी ट्यूशन गई है तो मुझे वीडियो भी खुद ही बनानी पड़ रही है। और इसको मैंने चला दिया और अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और गाइस मैं यहाँ पर डाल दूंगी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, इनको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि ज्यादातर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, और लोहे की कढ़ाई में बनाने से अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है खाना। तो हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे थोड़ी देर तक। एंड हाँ गाइस, मेरी वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब मैं इसमें अपनी चाउमीन पुट कर दूंगी। एंड गाइस, मैं चाउमीन डालने से पहले मैं पनीर डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। तला हुआ पनीर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं सिंगापुरी चाउमीन। तो गाइस अब हम इसमें जा रहे हैं चाउमीन डालने। डालो में अब इसमें हम डाल देंगे अजीनोमोटो। नमक नहीं, अजीनोमोटो लगा, नमक भी डालेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे सोया काला सॉस, सोया सॉस होता है ना, और कौन सा? और कौन? ये रहा, और ये रहा हमारा विनेगर। इसी के नीचे डाल दो, लाइट में डाल दो। और
अब हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया। बस अब हम इसको चला देंगे वरना लग जाएगी नीचे से। मैंने मैंने गैस लो कर दिया था ताकि ये लगे ना नीचे। और अब हम इसमें थोड़ा सा अपना फूड कलर डाल देंगे ताकि बिल्कुल ये बाहर के सिंगापुरी चाउमीन जैसा कलर आए इसमें। हम इसमें डालने जा रहे हैं फूड कलर। और फूड कलर से बिल्कुल मार्केट जैसी सिंगापुरी बन जाएगी। और अभी हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर डाल लो। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सो फाइनली गाइज हमारी सिंगापुरी चाउमीन बनकर बिल्कुल रेडी है और ये पेट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं जाती हूँ इसको टेस्ट करती हूँ, थंबनेल के लिए फोटो लेनी है, देन फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।